पेन से क्या बनाया है, तीर बनाया, यानी पेन का यूज तीर के लिए भी कर सकते हैं। और पेन का उपयोग ये पेपर को बचाएगा उड़ने से, कैसे बचाएगा? नहीं, बस रखने से किसका, ये भी काम करेगा, काम करेगा। अच्छा, पेन का ये हिस्सा किस काम में आता है? ये वाला बस लिखने के काम आता है, गोदने के भी काम आता है। अच्छा, तो आप लोग कलम का हम कई उपयोग कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। एक काम इसका महिलाएं करती हैं जिनके बाल बड़े बड़े होते हैं, क्या करते हैं? बाल में जूड़ा बनाकर उसमें फंसा लेती है। पेन से एक चीज और होता है, पेन से कभी कभी कोई हमला करता है तो पेन से उसको अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं, मगर आप लोग किसी को मार मत देना, समझे ना। तो हम लोग कहने का मतलब ये है, जरूरी नहीं कि जो सामान किस चीज के लिए बना है केवल उतना ही काम है, उसका और कई उपयोग हम लोग कर सकते हैं। मगर इसके लिए आपको यूज क्या करना होगा, अपना अपना दिमाग का उपयोग करना, ब्रेन यूटिलाइज करना होगा। तो जैसे भी आप लोग आज छोटी छोटी चीज बना रहे हैं ना विज्ञान के, तो आपने दफ्ती से बनाया, चार्ट पेपर से बनाया, गुब्बारे से बनाया, आपने क्या बनाया था, बॉटल से, मतलब इन्होंने बॉटल का उपयोग केवल पानी भरने के लिए नहीं किया था, बॉटल से इन्होंने खिलौना भी बनाया। गुब्बारे से इन्होंने क्या बनाया, केवल गुलाब के हैप्पी बर्थडे नहीं किया, गुब्बारे से इन्होंने खिलौना भी बना दिया। यानी आप एक ही सामान से कई सारे चीज बना सकते हैं अगर आपको बनाने की काबिलियत हो। अभी आज आप लोगों ने पेन से समझा कि आप पेन से कौन कौन सा चीज काम कर सकते हो, किसी ने बताया पेन को जो है बाल में जूड़े के रूप में उसको रोकने के लिए काम करता है, तो किसी ने बताया पेन से जो है हम होल्डर का काम कर सकता है। अब देखिए, अवनीश ने पेन से कुछ बनाया है, पेन से इसने रॉकेट लॉन्चर बना दिया है अपना, इसमें एक पिन लगाया है इन्होंने। आप लोगों का पेन खराब है तो क्या करते हो, फेंक देते हो ना। ये देखिए, इन्होंने एक तरह से औजार का यूज कर दिया इसमें, यहाँ पर आप कुछ लगा कर, ये देखिए इन्होंने खींच के छोड़ने पर ये सीधे रॉकेट की तरह निकल के आगे जाएगा। तो एक छोटा सा तरीका इन्होंने अपनाया, रबड़ लगाया, पिन लगाया और रिफिल के माध्यम से इन्होंने अपना रॉकेट लॉन्चर तैयार कर दिया। तो गुलेब में क्या लगाते हो, पत्थर में इन्होंने रबड़ का उपयोग किया, तो आसान तरीका है कि नहीं? क्या बनाने में दिक्कत है? दिक्कत कहाँ है, सोचने में। पहले मैंने इसमें गुब्बारा लगाया था, उसके बाद इसको छेद किया था खीले से, उसके बाद इसमें पाइप लगाया, उसके बाद यहाँ पर छेद किया, उसके बाद ये डर इसमें टेप चुका है, अगर गुब्बारा लगाएंगे पानी में छोड़ेंगे तो ये आग। चली भाई नाव चली, पचक गई।